हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी और क्रंची पोटैटो चिप्स। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। इनको बनाने के लिए ना ही पोटैटो बॉईल करने की ज़रूरत है, ना ही उनको धूप में सुखाने की ज़रूरत है। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले रही हूँ मैं आलू, जिन्हें मैंने छील दिया है। आलू को हम एक कॉटन के कपड़े से साफ करेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा भी पानी आलू में नहीं रहना चाहिए। अब हम आलू को करेंगे स्लाइस, और जैसा कि आप देख सकते हैं, आलू अच्छे से स्लाइस हो चुके हैं। स्लाइस्ड आलू को हम एक प्लेट में फैला देंगे। स्लाइस्ड आलू जो हमने प्लेट में रखे हैं, उन्हें भी हम कॉटन के कपड़े से साफ करेंगे, जिससे उसमें जितना भी पानी बचा हो वो सारा निकल जाए। इस बात का हमें ध्यान रखना है, आलू ज़्यादा ही पतला या ज़्यादा ही मोटा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, इतना आलू हमें चाहिए होगा। अब मैंने ली है एक कढ़ाई, जिसमें मैंने डाला है ऑयल और उसको गर्म कर दिया है। एक एक करके हम आलू इसमें डालेंगे और उसे फ्राई करेंगे। हमें इसे फ्राई करना है जब तक ये लाइट ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। आलू के चिप्स हो गए हैं लाइट ब्राउन कलर के, तो इन्हें हम निकाल देंगे। प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर लगाया हुआ है, जिससे कि जो भी एक्सेस ऑयल हो वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। 5 से 10 मिनट बाद हम इसे डालेंगे एक बोल में। अब मैं इसमें स्प्रिंकल कर रही हूँ चाट मसाला। चाहे तो आप इसमें नमक, लाल मिर्च और जीरा पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसे हम मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं चिप्स। पोटैटो चिप्स आर रेडी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।